भाई वो इंडिया है, वो पाकिस्तान की जब किस्मत चल रही है वो तब हम हारते हैं। वो इंडिया वो गली से भी अपना कोई टैलेंट निकाल के लेकर आएंगे ना, वो हमारे अंदर कर देंगे गेम। हमें इतना भी पता है, आपको भी पता है, वो इंडिया उनके पास टैलेंट बहुत है, इतनी करोड़ों की बात है, कहीं ना कहीं से टैलेंट उठा लेंगे। हमारे पास टैलेंट की कमी, तो बुमराह किया है, एक बॉलिंग है और एक बैटिंग है, दोनों में वो अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम शाहिनशाह अफरीदी की बात करें तो उसके मुतबादल हमारे पास और प्लेयर नहीं है। मतलब कि अब शाहिन अफरीदी हमें देखने को नहीं मिलेगा, ऊपर से बुमराह वो भी उनका विकेट टेकिंग बॉलर है। मतलब कि हम एक बड़ी अच्छी गेम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि उनकी अचानक से इंजरी होना और अचानक से ये खबर आना डेफिनेटली फैंस के लिए बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एसएल मोहम्मद हनान जहीर और हम आपको वेलकम करते हैं आज की वीडियो में। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एशिया कप में दो मायानाज बॉलर शाहिन शाह अफरीदी, जसप्रीत बुमराह। शाहिन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्म करते हैं और जसप्रीत बुमराह जो कि इंडिया की तरफ से परफॉर्म करते हैं। शाहिन शाह अफरीदी इज़ आउट ऑफ एशिया कप ड्यू टू हिज नी इंजरी एंड एज वेल जसप्रीत बुमराह जो है वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे इस बार इंडिया की तरफ से, उनको बैक इंजरी है। तो हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि ये दो जो बॉलर हैं उनका आउट होना एक एशिया कप के चार्म को डिसऑन करेगा, डाउन करेगा या नहीं। एंड हाँ, शाहिन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट की है मोहम्मद हसनैन ने। हम पाकिस्तानी अवाम से ये भी पूछेंगे कि ये रिप्लेसमेंट कैसी रहेगी, वो क्या वो एक लूप होल को, उस गैप को फिल कर पाएगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई आपका नाम? उसामा। अरसलान। मेरा नाम एम सलमान। एम सलमान, अच्छा एम सलमान भाई मुझे ये बताएं कि 27 तारीख को एशिया कप स्टार्ट हो रहा है, 28 को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, बड़ा टाकरा है, बहुत बड़ा टाकरा है, उसमें शाहिन शाह, मैं आपको बताता हूँ, शाहिन शाह अफरीदी जसप्रीत बुमराह दोनों टीम में नहीं है, दोनों इंजर्ड हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है ये किसका कितना के डाउनफॉल होगा, कितना मज़ा नहीं आएगा मैच? ऑब्वियसली दोनों टीम्स के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक है। शाहिन अफरीदी और जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली हमारे दोनों ना पैसर्स थे जो कि सबसे ज़्यादा जो अटैक में हम लोगों को स्टार्टिंग ओवर्स ही हमारे यहाँ सोने थे, और क्योंकि इन्होंने ही शुरू की विकेट्स उठानी थी तो दोनों को एक सेटबैक है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर जो रिप्लेसमेंट आई है शाहिन अफरीदी की जगह, शाहिन शाह अफरीदी नहीं है, हारेंगे अब पक्की बात है, क्योंकि तो अटैकिंग में तो हमेशा लेफ्ट बॉलर ही आते हैं। इस बार तो इन लोगों ने सुनने में आया इन लोगों ने हसनैन को रिप्लेस किया है, उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं, मुझे जब तक मैंने देखा तो मुझे उसका कुछ नज़र नहीं आ रहा कि उसने क्या परफॉर्म किया। तो इसके अलावा तो मैं यही कहूँगा कि हमारी हार इस टाइम पक्की है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात बोलूँ, ये कि आप कह रहे हैं कि दोनों इंजर्ड हैं, यार इतने बड़े मैच के लिए अगर दोनों इंजर्ड हो सकते हैं तो ये तो एक मोनोपोली है कि दोनों को टीम से बाहर निकालना है। ये वल्ला आलम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इंडिया की टीम से बुमराह और पाकिस्तान की टीम से शाहिन अफरीदी एग्जिट किया है तो इनकी जगह पे दो न्यू बंदे आए हैं, तो मेरे ख्याल से मैच इस बार बहुत ख़तरनाक भी होगा और 50-50 होगा। यार सबसे पहली बात तो ना, बीइंग अ न्यूट्रल क्रिकेट फैन तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज अगर क्रिकेट का चार्म देखा जाए ना तो कंपटीशन जितना ज़्यादा टफ और हाई होगा ना उतना ज़्यादा उसका मज़ा आएगा। तो जैसा कि पता है कि लास्ट कंपटीशन के अंदर शाहिन अफरीदी ने जो इंडिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन के साथ किया था पूरी दुनिया ने देखा था, मज़ा भी आया था, इट वाज अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। और जहाँ तक बात है जसप्रीत बुमराह की, ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, मैंने हमेशा उसको अप्रिशिएट किया है, स्पेशली उसकी जो फुल लेंथ यॉर्कर्स होती है आप भी देखते होंगे। तो इट्स आल्सो अ सेटबैक फॉर इंडियन टीम आल्सो, पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पाकिस्तान के अब उधर से KL राहुल ने ओपन आना है, रोहित शर्मा ने ओपन आना है, उसके बाद विराट कोहली ने आना है, वो तीन बैट्समैन जो कि हमेशा से पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म बॉलर्स जैसे कि मोहम्मद आमिर हो गया, जुनेद खान हो गया, और उसकी लेगेसी को फॉलो करते हुए अब शाहिन अफरीदी ने उनको पकड़ा हुआ था, अब इंडियन टीम थोड़ी इजी हो जाएगी। यार डेफिनेटली इतना कि जितना मैच का इंपैक्ट था वो सारे का सारा खत्म हो गया, कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाहिन अफरीदी पहले 3-4 ओवर में कोई ना कोई विकेटें उड़ाएगा, अब मतलब कि अब शाहिन अफरीदी हमें देखने को नहीं मिलेगा, ऊपर से बुमराह वो भी उनका विकेट टेकिंग बॉलर है। मतलब कि हम एक बड़ी अच्छी गेम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि उनकी अचानक से इंजरी होना और अचानक से ये खबर आना डेफिनेटली फैंस के लिए बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। और अब यही है कि जी बस देखेंगे जो होता है, अल्लाह मालिक है, इंडिया की टीम का भी अल्लाह मालिक है, पाकिस्तान की टीम का भी अल्लाह मालिक है, लेट्स सी हाउ इट गोस। देखिए जो बुमराह है उसकी पहले मैं बात करता हूँ, वो एक उनकी बैकबोन समझा जाता है इंडिया का, वो एज ए कैप्टन भी खेल चुका है, ठीक है। तो उसकी जो है ना, मतलब उसकी जो बुमराह किया है, एक बॉलिंग है और एक बैटिंग है, दोनों में वो अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम शाहिन शाह अफरीदी की बात करें तो उसके मुतबादल हमारे पास और प्लेयर नहीं है, ठीक है। अगर हम बात उसके कंपेयर करें किसी के साथ कर सकते हैं तो आमिर की कर सकते हैं जो हमारी टीम में नहीं है। उसके बाद हम मैं जस्टिफाई करना चाहूँ तो भी जो है मोहम्मद वसीम जूनियर
वो उसकी जगह ले सकता है। मोहम्मद वसीम जूनियर तो ऑलरेडी टीम है, लेकिन उसकी जगह पूरी नहीं हो पाएगी हमारे शाहिन शाह अफरीदी ने जो स्पेल किया था लास्ट जो हमने T20 मैच खेला, T20 वर्ल्ड कप टैकरा जो हमने एक तारीखी मैच खेला है इंडिया के अगेंस्ट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शाहिन शाह अफरीदी ज़्यादा डेंजरस बॉलर था इंडिया के लिए या जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता था? देखा जाए तो बॉलर्स की अगर देखा जाए दोनों एक कंडीशन में थे, लेकिन वो होता है ना किसी की लक भी चल जाती है। वैसे माना जाए तो हमारा एक मिनट शाहिन अफरीदी ही सब तो अगे गया है, उसके बाद से ऐसी गलत गल नहीं सुन सकते। हो गया उसकी लत्त खराब हो गई पर वो हीरो है, साडा सुपरस्टार है, असीं उन्हें इस मैच मिस करांगे। अगर पाकिस्तानी टीम को कोई टक्कर दे सका है तो वो है शाहिन अफरीदी अपनी बॉलिंग के फन से। अगर उनका बुमराह बाहर हुआ तो वो शाहिन के डर से बाहर हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया को ज़्यादा सेटबैक मिला या पाकिस्तान को मिला, क्योंकि इंडियन बॉलिंग का जो वो रीड की हड्डी होती है जसप्रीत बुमराह था, अब तो वो है नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस बॉलर भी नहीं है, जबकि पाकिस्तान का भी शाहिन शाह अफरीदी आउट हो गया, किसको ज़्यादा बुरा सेटबैक लगा? यार जैसे कि मैंने अभी कहा है कि ये ज़्यादा सेटबैक, बहुत बड़ा सेटबैक पाकिस्तानी टीम के लिए, इंडियन टीम के लिए नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग प्रीवियस क्लैशेस को देखें तो इन प्रीवियस क्लैशेस के अंदर जसप्रीत बुमराह इट्स अ गुड बॉलर, लेकिन उसकी पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस इतनी अप टू द मार्क नहीं थी। आप लोग अगर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर देखें, फ़खर जमान ने कैसे उनकी फेंटी बजाई थी, उसके बाद बाबर आजम या शुएब मलिक ने फेंटी बजाई थी। लेकिन जहां तक अगर बात आ जाती है शाहिन अफरीदी की, तो शाहिन अफरीदी ने जो किया था वो पूरी दुनिया जानती है, तो इट्स अ मेजर सेटबैक फॉर पाकिस्तान टीम। आपको क्या लगता है कि इस इन दो प्लेयर्स के बाहर होने की वजह से वो जो चार्म रहता, जैसे अफरीदी था, सहवाग था, तेंदुलकर था, इन दोनों का चार्म था, लेकिन अब वो नहीं है, तो वो चार्म वो मैच में एनर्जी नजर आएगी या नहीं? मैच में यार देखो, किसी एक प्लेयर से वैसे मेरा ज़्यादा ख्याल है एनर्जी नहीं होती, सारी टीम एफर्ट होती है और गेम हमेशा विन होती है मतलब कि टीम एफर्ट की वजह से। अब सीन ये है कि इंडिया को भी टीम एफर्ट करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को भी टीम एफर्ट करनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ होती है, जिस तरह बाबर आजम है, विराट कोहली, इसी तरह बॉलर्स में शाहिन अफरीदी और बुमराह थे, तो अब दोनों टीम्स को टीम एफर्ट करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कौन सी टीम ज़्यादा अच्छी टीम एफर्ट दिखाती है, और मतलब कि मैच को अगर इंडिया की टीम ज़्यादा अच्छी एफर्ट दिखाएगी तो डेफिनेटली इंडिया की टीम जीतेगी, अगर पाकिस्तान की टीम ज़्यादा अच्छी एफर्ट दिखाएगी तो पाकिस्तान की टीम जीतेगी। अच्छा, मुझे अब आप ये बताएं कि मोहम्मद हसनैन एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ शाहिन शाह अफरीदी, कैसी सिलेक्शन है? मोहम्मद हसनैन एज अ रिप्लेसमेंट, 20 साल का पेसर है, अच्छी बॉल। शाहिन शाह अफरीदी जो सॉरी मोहम्मद हसनैन की मैं बात करूँ तो उसका अभी एक्शन मशकूक हुआ था, लेकिन उसने एक अच्छी बॉलिंग का लाइन के साथ बॉलिंग करता, उसकी पी एच भी बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कंपेयर नहीं हम कर सकते शाहिन शाह अफरीदी के साथ, या दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसका अगर हम लेवल की बात करें तो थोड़ा सा हम देख सकते हैं अभी वो टीम एक्सपीरियंस वाइज कम है, लेकिन टीम में एडजस्ट हो सकता है। नहीं, मेरे ख्याल में तो ऑब्वियसली सिलेक्शन जो होती है मेरे ख्याल में डिसीजन होता है एक कैप्टन को होता है और दूसरा जो हमारे PCB के कोचेज हैं उनको होता है। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में तो अच्छा ही डिसीजन था, उनको हमसे ज़्यादा पता है कि मैं यहाँ पे क्या एनालिसिस करूँ इस चीज़ का। लेकिन जनरली आमिर तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है ना, क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम पहले ही निकल चुका है। ये जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हसन अली और इनमें, तो मेरे ख्याल में उसमें बेहतर नवाज़ी है। मेरा जहाँ तक मानना है ना कि अगर इन्होंने पैसा, वो एक अपनी जगह पर हर क्रिकेट टीम पैसे के लिए बनती है, तो उस नैन की जगह पर मेरा जो बेस्ट ऑप्शन है हसन अली। क्यों? हसन अली एक नाम है, पुराना खिलाड़ी हो गया है, उसको एक प्रैक्टिस हो गया, हर टीम के साथ मैच कर चुका है, उसको पता है मैंने किस बॉलर को, किस खिलाड़ी को, किस बैट्समैन को कहाँ पे बॉल देनी है। मैं एक और चीज़ कहना चाह रहा था कि रिप्लेसमेंट के तौर के ऊपर पाकिस्तानी ने हुसनैन को लेके आए हैं, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, इसकी जगह हसन अली को होना चाहिए था रिगार्डलेस ऑफ एनी कॉन्ट्रोवर्सी। हसन इज़ अ गुड बॉलर, इज़ एन एक्सपीरियंस बॉलर, तो हसन अली को होना चाहिए था, हुसनैन को नहीं होना चाहिए। मेरा जहाँ तक ख्याल है बहुत बुरा मतलब कि सिलेक्शन है, हसन अली को कर लेते वो फिर भी बेहतर था, क्योंकि वो मेरा जहाँ तक ख्याल है इंडिया के साथ जब मैच होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो प्रेशर को अब्जॉर्ब करना हसन अली के लिए बहुत इजी था, क्योंकि उसने बड़े मैचेस पहले भी खेले हुए हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस पाकिस्तान के मतलब कि समहाउ सीनियर प्लेयर्स में वो आता है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अभी रिसेंटली ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पर आमिर बैग आना चाहिए कि नहीं? आमिर आना चाहिए बैग, लेकिन आमिर के अंदर देखो एक चीज़ है, उसके अंदर एक रूल टाइप चीज़ है, वो हमारा एक लेजेंड है, वो वापस आया, उसने स्ट्रगल किया है, अपनी गलती को ऑन किया, वापस आया, एक जेन्युइन प्लेयर बना है, लेकिन जो एक सितारा हमने गुम किया है वो, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी अभी कदर नहीं की। देखिए, बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें हैं, मोहम्मद आमिर की वापसी और नवाज का खेलना, इन दो चीज़ों को रिलेट नहीं कर सकते। हसनैन का खेलना, ये बिल्कुल डिफरेंट डायनेमिक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। मोहम्मद आमिर का जो मेरे ख्याल में डिसीजन है ना, ऑब्वियसली अब
इतने ये आपको ना एक्सपीरियंस और ये दूसरी चीज़ें जब मिल गई हैं, आपकी इतनी रीच है तो आप और प्लेटफॉर्म्स पे खेल सकते हो, तो उस चीज़ को यूज़ करते हैं, वो उनका कैरियर है, कैरियर बिल्ड इसलिए करते हैं कि ज़्यादा ऑब्वियसली अर्न कर सकें, और वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं दूसरी काउंटीज़ खेल के। जैसे कि हमारे पाकिस्तान की आवाम ख्वाब रह गया कि अफरीदी शाही अफरीदी हमें दोबारा खेलते हुए ग्राउंड में नज़र आएँ, जैसे कि बांग्लादेश की आँखें भी बाहर आ चुकी हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि हसन एक न्यू प्लेयर्स है, देखते हैं बेस्ट ऑफ लक उसको भी करते हैं, जहाँ पे इतने खिलाड़ियों को किया है वहाँ पे हुसनैन को भी करते हैं। बाकी आप और... एक बात बता दें भाईजान, जैसे हमने उनको 11 विकेटों से वो क्या कहते हैं शिकस्त दी थी, इस दफ़ा भी हम इंशाल्लाह उनको 6-7 से तो देंगे। 6-7 से 11 से क्योंकि हमारे पास हमारा मेन प्लेयर नहीं है, बॉलर नहीं। यार आमिर का नाम है, मगर आमिर को इट्स बीन लाइक 2-3 ईयर्स आमिर को क्रिकेट खेले हुए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो उसका वो टच रहा नहीं है, तो ये नहीं है कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे इतने बड़े मेजर टूर्नामेंट के अंदर बंदा आमिर को लेके आ जाए। और वैसे भी आमिर के डिसिप्लिन के जो इश्यूज हैं और इसके अलावा उसके पीसीबी के साथ जो इश्यूज हैं, तो बेहतर है कि पॉलिटिक्स को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से दूर ही रखा जाए, तभी तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है। तो आई बिलीव के अगर ऑप्शंस थी तो हसन अली को ही वापस लेके आते। चलो हुसनैन आ गया तो विश हिम गुड लक, बाकी बोथ द टीम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा गुड लक। नो कभी मुमकिन ही नहीं, अगर आमिर वापस आ गया तो समझ ले पाकिस्तान की गेम में सियासत वापस आ गई। तो आमिर जहां है उसको वहीं पे रखें, वो डिज़र्व नहीं करता जो, क्योंकि उसने मुल्क को बेचा था। सीधी साफ जो बात है, जिसने मुल्क को बेचा है उसकी टीम क्या है, उसकी पाकिस्तान में जगह नहीं होनी चाहिए, उसको पाकिस्तान से निकाल के बाहर फेंके, दुबई में फेंके, जहाँ मर्जी फेंके, वट्सो एवर। जिस तरह नवाज शरीफ का हाल है, इसी तरह मोहम्मद आमिर का भी हाल है। तो जैसा कि व्यूवर्स आपने लोगों की ओपिनियन जाने, लोगों के रिव्यूज़ देखे, तो मेरे कहना कि मैं भी यही कहूँगा कि शहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह बहुत ही तगड़े बॉलर हैं। इम्पैक्ट तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है, जब दो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स ना हो एक टीम में, ना खेल पाए, एक इवेंट इंजॉय ना कर पाए, तो जो रिप्लेसमेंट की है मोहम्मद हसनैन के रिलेटेड अच्छी रिप्लेसमेंट है, यंग बॉलर है, अच्छा बॉलर, लाइन लेंथ का पता है उसको, एक्सपीरियंस भी अच्छा गेन किया वह उसने काउंटी क्रिकेट खेलकर। आमिर का वापस आना नहीं बनता, टू बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, जब आपकी टीम को, आपकी कौम को आपको जरूरत पड़ती है, जब आप साथ ना दे पाए तो आपके वापसी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे जुड़े रहे हमारे साथ, आपको मज़े मज़े के इंटरव्यूज़ देखने को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।